अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी आज की छोटी सी बात ये है कि माशाल्लाह से हम रमज़ान में रोज़े तो रखते ही हैं, और रोज़े रख के थोड़ा सा टेम्परमेंट ज़रा हमारा आउट हो जाता है, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारे घर में जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, जो मेड्स होती हैं, जो हमारे अंडर सर्वेंट्स होते हैं, हम उनका किस तरह से ख्याल रखते हैं। देखा जाए वो वाकई हमारी आजमाइश है। हमारा उनसे रवैया, हमारा उनसे सलूक क्या है, इस चीज़ की बहुत बड़ी पकड़ होनी है। इस चीज़ का हमें एहसास होना चाहिए। और ये फैक्ट है कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद हम इन्हें पे करते हैं तो इनका हक बनता है, कि इनका फ़र्ज़ है बल्कि कि हम इन्हें डांटें या हम इन्हें कुछ भी सुना सकते हैं और इन्हें सुनना है। ऐसा नहीं होता है। जिस तरह हम एक इंसान हैं तो वो भी इंसान है, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ऊंची नीची बात हो जाती है, और कभी कुछ कह दिया करें वो भी तो सुन लिया करें, थोड़े बर्दाश्त पैदा करें। ऐसा नहीं है कि वो अगर हमारे यहाँ काम करते हैं या हम उन्हें कुछ पे करते हैं तो हम उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें उनसे भी उतनी मोहब्बत रखनी चाहिए, उतनी उनसियत रखनी चाहिए जितनी हम और लोगों से करते हैं। तो ख्याल रखना चाहिए इंसानियत के नाते, जो ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपना बिहेवियर थोड़ा रमज़ान में, क्या कि रमज़ान चले हमारे लिए इसलिए आया है कि हम, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी, ये प्रैक्टिस करते हैं कि रमज़ानुल बारक से इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। कोशिश ये करें कि पूरा साल ता हयात हम इन चीज़ों पे अमल कर सकें। तो खुदारा आपके अंडर जो काम करते हैं, जो हेल्पर्स, जो मेड्स हमारे घरों में होती हैं, जो स्टाफ हमारे घरों में होता है, तो उनके साथ हुस्ने सलूक का रवैया अख्तियार किया जाए तो अच्छी बात है। तो रमज़ान भी हमें यही सिखाता है, हमारा दीन हमें यही सिखाता है, हमारे प्यारे नबी पाक ने हमें यही सबक दिया है। तो कोशिश करें कि अपने गुस्से को काबू में रखें, यही आजमाइश है, और इसी आजमाइश में हमें पूरा उतरना है। तो जब भी दिल में कोई गलत ख्याल, कोई गलत बात आए, तो बस यही सोचना चाहिए कि नहीं, हमें खुद पे कंट्रोल करना है, हमने कोई गलत बात नहीं करनी है। तो बस अगर आपने इन चीज़ों पे काबू पा लिया तो इसका मतलब है कि आप कामयाब हो गए।